हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय क्यूट लिटिल चैनल वंस अगेन। और यह है दूसरा दिन मेरे ट्रिप का और मैं ट्रैवल कर रही हूँ दिल्ली से अमृतसर और मैंने लिया ओवरनाइट ट्रेन फ्रॉम दिल्ली। और इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि एक दिन में हम अमृतसर में क्या कर सकते हैं। और मैं पहुंच चुकी हूँ अमृतसर रेलवे स्टेशन, सो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। वेलकम टू द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल एंड आई एम हेडेड टू माई होटल विच इज जस्ट नियर द टेम्पल। कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे ये बंद था तो मुझे लेना पड़ा एक छोटा वाला ऑटो रिक्शा या फिर बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा टू माई होटल। और ये जो आपको शॉप्स दिख रहे हैं यहाँ पे आप मस्त शॉपिंग कर सकते हैं या अच्छे अच्छे खाने की दुकान भी हैं। आई मस्ट से दिस होटल वॉज अमेजिंग एंड इट वॉज एट द परफेक्ट लोकेशन। सो लेट मी गिव यू अ मिनी टूर ऑफ द रूम एंड इट वॉज क्यूट एंड कम्फर्टेबल। So I had my quick breakfast and headed to my first destination of the day, which is very near to Golden Temple and is called Jallianwala Bagh. अब history में हमने सबने तो पढ़ा ही होगा। And since this place was very near to my hotel, I just walked and it took me 5 to 10 minutes. And you can see that the Golden Temple is visible from here. So all these destinations come in one line and it is highly recommended कि आप यहाँ पे ही room book करें क्योंकि ये बहुत ही convenient होगा आपके लिए। वेलकम टू जलियांवाला बाग मेमोरियल पार्क। काफी सुंदर है, काफी बड़ा है। सो दिस जलियांवाला बाग इज अ गार्डन, हिस्टोरिकल गार्डन एंड अ मेमोरियल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। दिस इज बिकॉज दिस प्लेस प्रिजर्व्स द मेमोरीज ऑफ द पीपल हु वर किल्ड एंड वुंडेड इन जलियांवाला बाग मसाकर इन 1919। And the most important part of this place is this well, which is called Martyrs Well, and hundreds of innocent women, unarmed children, jumped into this well in order to save their lives from the bullet of the General Dyer. I think these are the bullet marks, jo square mein hai. Now let's move to our second destination and the most important destination, the Golden Temple or the Harminder Sahib. यहाँ पे सबसे पहले आप अपने शूज सबमिट कर दीजिए, जिसके लिए बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, और फिर अंदर जाने के लिए कुछ ड्रेस कोड है जो आपको फॉलो करने हैं। So there is a strict dress code for both men and women, and most importantly, our heads should be covered. तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप बाहर से कोई स्टोल या फिर कपड़ा खरीद के आपका सर ढक सकते हैं। हरमिंदर साहिब और पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट श्राइन्स इन सिखिज्म। दिस प्लेस इज अ ओपन हाउस फॉर वर्शिप फॉर पीपल ऑफ ऑल फेथ एंड रिलीजन। सो दिस मैन मेड पॉन्ड राइट इन द मिडल ऑफ द टेम्पल, ये बहुत ही प्योर माना जाता है और आप यहाँ पे डुबकी लगा सकते हो, बट देर आर फ्यू फॉर्मेलिटीज विच यू हैव टू कम्प्लीट एट द काउंटर एंड देन गो फॉर इट। और ये मंदिर इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंट्रल सिल्क म्यूजियम भी है एंड देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु आर जस्ट रेस्टिंग अराउंड। और यहाँ पे आपको लंगर के बारे में तो पता ही होगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ईट हियर एवरी डे। So after going back to room, I had my quick lunch and headed to the most favorite destination of mine, which is the Wagah border. Yes, we are going to the India-Pakistan border to see the parade. ये थोड़ा सा दूर था इसलिए मैंने कैब लिया और मेरे को पड़ा 1500 रुपए। So अभी हम लोग जा रहे हैं वाघा बॉर्डर, जो कि काफी फेमस है अमृतसर में, और वहाँ पे मार्च लास्ट स्टार्ट होता है 5:15 को। So just about to reach. तो ये पड़ता है अटारी विलेज में, विच इज द लास्ट विलेज फ्रॉम दिस साइड ऑफ इंडिया, एंड ये रहा बोर्ड जहाँ पे दिख रहा है आपको लाहौर 23 किलोमीटर्स, एंड आई हैव रीच्ड। यहाँ पे ऑलमोस्ट फुल रहता है एवरी डे तो आपको टाइम पे पहुंच जाना है, सो प्लीज रीच एटलीस्ट बिफोर 4:30 और 5 o'clock, और ये परेड के टाइम बदलते रहते हैं। एंड वेलकम टू द क्यूट लिटिल स्टेडियम एंड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जहाँ पे होने वाला है परेड।
और अगर आप अमृतसर या पंजाब में कहीं पे भी हैं तो ये जगह बिल्कुल मिस मत कीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब। ये सेरेमनी रोज होता है और यहाँ पे एक सीक्वेंस में सब कुछ होता है और लास्ट में होता है आपका फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी, उससे पहले परेड और सबसे पहले ये जो आप अभी देख रहे हैं। एंड सबसे मजेदार बात, यहाँ पे डीजे भी होती है, सो ऑल द वीमेन हु हैव कम टू वॉच दिस, यहाँ पे जाके आप आराम से डीजे में डांस भी कर सकते हैं। इजंट इट एक्साइटिंग? तो फिर वेट किस बात का, खुद ही देख लो हाउ एक्साइटिंग इट इज। एक दिसंबर 1962 को बीएसएफ की स्थापना हुई और भारतीय सीमा को एक ऐसा प्रहरी प्राप्त हुआ जिसकी सदैव चौकन्ना निगाहों ने वाघा इज अ विलेज लोकेटेड इन द लाहौर सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। वाघा बॉर्डर इज द इंटरनेशनल बॉर्डर सेपरेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दिस वॉज यूज बाई द माइग्रेंट्स टू क्रॉस द बॉर्डर्स ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इन 1947। Every day the border patrols of both the nations raise their respective national flags in the morning. And in the evening, before the sun sets, the lowering of the flag ceremony takes place with spectators from both the nations. This ceremony is also known as the beating retreat. The border remains open all year around and the ceremony which is conducted by both the nations is absolutely free of cost and happens every day. This Wagha border flag ceremony is quite popular in the country and we all should experience it at least once in a lifetime. And for obvious reasons, Indian janta jo hai wo kafi excited thi aur they were making fun of the other side because wahan ke log bahut kam the aur hum log ka volume kafi zyada. So it was quite exciting to watch this. यहाँ पे आके लोग जो patriotic नहीं है वो भी patriotic बन जाते हैं because the vibe is like that. अमृतसर का सफर यहाँ पे खत्म होता है एंड नाउ आई एम टेकिंग अ ट्रेन टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ से एक नया ट्रिप स्टार्ट होने वाला है एंड दिस टाइम इट्स अ पैकेज, थोड़ा अलग है और सोलो नहीं हूँ मैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।